गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। आज हम लोग एमएलटी को पक्का करने के बाद आज हम लोग जा रहे हैं एमएलटी की लास्ट एप्लीकेशन। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले एमएलटी फॉर्म देख लिए, फिर हमने एमकेएस टू सीजीएस कैसे कन्वर्ट होता है वो देख लिया, फिर हमने इक्वेशन में मिसिंग टर्म कैसे फाइंड होता है वो भी देख लिया, और आज हम इक्वेशन खुद बनाना सीखेंगे कि हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज दे दी है और उसमें से हम लोग कैसे इक्वेशन बनाएंगे। तो उसके लिए आपको मैंने दो डेटा दिए हैं और उसे प्रैक्टिस के लिए काम करेंगे। फर्स्ट ऐसा बोला है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी, यानी ऐसा कोई भी डेटा दिया हो तो ये कितनी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जुड़ा हुआ है सबको पावर दे दो बेटा। ए थे तो ए बी लिखा, अगर यहां पे और कोई होता तो सी लिखता। जो भी फिजिकल होती क्वांटिटी होगी उसके पावर को हम अननोन है, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, ए बी सी भी लिख सकते हो। याद करो 10th स्टैंडर्ड, इसको हटाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड स्मॉल के, जिसकी वैल्यू आपको डेटा में दी हुई है जो है 1/2 एन वी रेस्ट टू ए रेस्ट टू बी। अब क्या हुआ दोस्तों कि ये सीखने के बाद ये हमारा मेन इक्वेशन है, याद रखना बच्चों ये हमारा मेन इक्वेशन है। अब होती है एंट्री एमएलटी फॉर्म की, यानी डायमेंशनल फॉर्म, बोलो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी हो, टॉर्क हो या वर्क हो, उन सबका एमएलटी फॉर्म फिक्स ही है m1 l 2 t-2। अगर डेटा के अंदर कोई कांस्टेंट आता है, कोई वैल्यू आती है, कोई नंबर आता है तो उसका एमएलटी होता नहीं है, उसका एमएलटी होता नहीं है तो उसे मत लिखो। m यानी मास, चलो ब्रैकेट करके a, बोलो व्हाट इज द एमएलटी फॉर्म ऑफ मास, एग्जैक्टली m1 n 0 t 0। What is the MLT form of velocity? बोलो बोलो, सही है सही है, बोलो बोलो, m0 n1 t-1। दोस्तों जैसे आपने इसको लिख दिया उसके बाद मैं ये बोल रहा हूं कि आप जीरो वाले टर्म को गिनो ही मत, यानी ये हो जाएगा m1 अकेले रेस्ट टू बी l1 t-1 रेस्ट टू बी। चलो पावर से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया m रेस टू a, l रेस टू b, t रेस टू माइनस, लेफ्ट हैंड साइड जो था वो लिख दो वापस। नाउ कंपेयर द पावर्स, अब हम लोग पावर को कंपेयर करना चालू करेंगे। तो स्टार्ट करो कि पावर की वैल्यू को कंपेयर करो, फर्स्ट मास की कंपैरिजन चालू करो तो मिला 1 = a, लेंथ की कंपैरिजन को चालू करो 2 = b, t की कंपैरिजन को स्टार्ट करो तो -t = -2। दोस्तों आपका सिंपल काम हो गया, आपको a मिल गया, b मिल गया, ये दोनों की वैल्यू आप अपने मेन इक्वेशन में जाने दो। चलो स्टार्ट करो फटाफट काम कराओ बेटा, t = 1/2 n b, रेस्ट टू a है यानी 1, b है यानी 2, अच्छे से डिफाइन करो तो k = ½ m b2। देखो आज तक आप लोग ये फॉर्मूला सिर्फ रटते आए थे, पक्का किया था, कैसे आया जो आपने अभी प्रूव कर लिया दोस्तों, बोलो कर पाओगे, दे दूं एक ट्राई करने के लिए, पक्का तो सुनो ट्राई करने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम वी आर, आपको पावर बोल दू ए बी सी, एफ यानी फोर्स, एम यानी मास, वी यानी वेलोसिटी, आर यानी रेडियस, खुद ट्राई करोगे क्या आंसर आएगा वो खुद लाना है और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना। चलो ये क्लियर हुआ, थोड़ा टफ जाते हैं, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसके बाद हमें तुरंत पावर लिखना था,
एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो या ए बी सी लिख सकते हो। चलो दोस्तों, जैसे ही हम लोग प्रपोजल को हटाएंगे हमें लिखना पड़ेगा तो ए की वैल्यू आपको दी हुई है यानी 2π। याद करो दोस्तों, ये आपका मेन इक्वेशन हो गया उसके पावर के साथ यानी ए बी सी। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब उसके एमएलटी फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो क्या था टाइम पीरियड का एमएलटी फॉर्म? एम जीरो एन जीरो टी वन। 2π इज अ कॉन्स्टेंट तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। 2π इज अ वैल्यू, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ब्रैकेट करके ए, ब्रैकेट करके बी, ब्रैकेट करके सी। बोलो मास का क्या लिखोगे? एम वन। लेंथ का क्या लिखोगे? एल वन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ही हुआ एल वन टी माइनस टू। तो लेट्स मल्टीप्लाई, एम रेस टू ए, एल रेस टू बी, एल रेस टू सी, एल रेस टू माइनस टू सी। अच्छे से लिखो ए। तो एल की कितनी हो गई पावर? 2। यानी क्या लिखना पड़ेगा? बी प्लस सी टी रेस टू माइनस टू सी। एम जीरो एल जीरो टी वन। नाउ कंपेयर द पावर्स। चलो फटाफट स्टार्ट करते बच्चों। यानी 0 इज इक्वल टू ए, एल का 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी, टी का 1 इज इक्वल टू माइनस टू सी। आप देख सकते हो आपको एक इक्वेशन तो मिल गया, यानी पहला काम तो आपका हो गया। प्लस सी है, इसको इधर ले जाओ तो दोस्तों ये हो गया माइनस सी। माइनस टू को नीचे ले जाओ यानी दोस्तों ये आपका सी हो गया। अगर सी की वैल्यू आप यहां लिख दोगे तो ये आपका बी हो गया। देखो तुरंत ही हमें सारे फॉर्मूला मिल गए बच्चों, यानी ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। इसकी वैल्यू मेन इक्वेशन में प्रूव करते हैं यानी टी इज इक्वल टू 2π एम एल जी। एम रेस टू 0, एल रेस टू 1/2, ये हुआ माइनस 1/2। दोस्तों किसी का भी पावर माइनस में आएगा तो हम लोग उसको नीचे ले जाएंगे। ये भी 1/2, ये भी 1/2। आप देख सकते हो मैंने एम को लिखा ही नहीं क्योंकि किसी का भी पावर 0 यानी 1 वो कंसीडर नहीं होता। तो दोस्तों ये मेरा आंसर आया। इसको और भी अच्छी तरीके से लिखूं तो 1/2 का मतलब अंडर रूट एल बाय। देख सकते हो बच्चों हमने बहुत ही परफेक्टली कोई इक्वेशन ला लिया जो आपके माइंड में क्लियर है। इसके साथ मैं आपको ट्राई करने के लिए देता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। वेलोसिटी प्रपोजल को पी एंड रो, दोस्तों पी यानी प्रेशर, रो यानी डेंसिटी। वेलोसिटी आप सब जानते ही हो ए बी। यहां पे k इज इक्वल टू 1.4 तो ट्राई करोगे। तो दूसरा h इज इक्वल टू, तो h प्रपोजल टू IRC ABC। h यानी हीट एनर्जी, यानी एनर्जी हुई। I यानी करंट, R यानी रेजिस्टेंस और T यानी टाइम पीरियड। यहां पे k इज इक्वल टू 1। आप मेरे को 1, 2, 3 तो मैंने करवाए, 3 आपको ट्राई करने के लिए दिए हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चों, मोस्ट आईएमपी पोर्शन है चैप्टर नंबर 2 का।